मंत्री उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नमाई सुते को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग एक के आधार से यहाँ सात तत्वों की चर्चा हमने प्रारंभ की है। कल वास्तव में सात तत्वों की चर्चा नहीं हो पाई। कल तो चर्चा तत्वार सूत्र के परिचय मात्र की हुई थी। वास्तव में तत्वार सूत्र ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ जैन परंपरा का एक सूचीबद्ध ग्रंथ है, जैन परंपरा की इंडेक्स है। जैन परंपरा के पूरे साहित्य, पूरे जिनागम, उसका सार संक्षेप में इस तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में भरा है। इस तत्वार सूत्र ग्रंथ में सात तत्वों का वर्णन है। कल भी हमने बतलाई थी बात, सात तत्वों की चर्चा और पहले चार अध्याय जीव तत्व के लिए, पांचवा अध्याय अजीव तत्व के लिए, छठा और सातवा अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला, आठवां अध्याय बंद तत्व का वर्णन करने वाला, नौवां अध्याय संवर और निर्जरा का वर्णन करने वाला और दसवां अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाला है। देखिए आप, उस तत्वार सूत्र के आधार से ये चर्चा यहाँ सात तत्व की गई है। पेज नंबर 11 है, सात तत्व, प्रवचनकार और एक मुमुक्षु, इनकी आपसी चर्चा। यह प्रवचनकार विद्वान प्रवचन कर रहे हैं और बीच में प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं। इस संवाद के रूप में इस पाठ की रचना हुई है। संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। सब दुखी नजर आते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं। सभी दुखी हैं और दुख से बचने का प्रयास भी करते हैं। किसी को गर्मी का दुख है, किसी को क्यों, अभी तो बहुतों को है गर्मी का दुख दिखता है, कभी सर्दी का दुख दिखता है, कभी शारीरिक दुख दिखते हैं, मानसिक दुख दिखते हैं, परिवार की समस्याएं दिखती है, बिजनेस की परेशानियां दिखती है, कभी स्कूल की परेशानियां दिखती है, कभी एग्ज़ाम, कभी रिजल्ट है, कितनी तरह की परेशानियां हैं। कभी बच्चे कहना नहीं मानते, कभी घर में काम करने वाले नहीं आते, कभी सर्वेंट छुट्टी करते हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी बिल ज़्यादा आ जाता है बिजली का, कभी टेलीफोन का बिल ज़्यादा आ जाता है। एक दिन हमारे आ गया था 25,000 का टेलीफोन का बिल, क्या और कंप्लेन की बतलाया तो बोले वो एक दिन के अंदर इंटरनेट यूज हो गया 20,000 का। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब वो कहते हैं पहले तो आप बिल जमा कराओ क्या, और उसके बाद में देखेंगे क्या? बहुत समय तक चलता रहा ऐसा चक्कर। तो ये ऐसी झंझटें हो जाती हैं कि नहीं, कई बार कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी चलते हुए एकदम गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, फिर धक्के लगा रहे हैं, फिर उसको साइड में खड़ी कर रहे हैं, फिर क्या करें। तो ये संसार दशा में तो ये सब झमेले चलते ही रहते हैं, ये दुख बहुत हैं। हम लोग प्रयास भी करते हैं उन दुखों से छूटने का, बचने का, अपनी जान के अनुसार, अपने विकल्पों के अनुसार। और हमें ऐसे लगता है जितनी तरह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इन सब समस्याओं का धीरे धीरे समाधान करो तो हम सुखी हो जाएंगे। जो भी समस्या दिख रही है उस समस्या का समाधान क्या है, हमें लगता है कोई अच्छा सर्वेंट मिल जाए तो सर्वेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए तो आजीविका की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए,
बिजनेस अच्छा चलने लग जाए तो फिर एक समस्या निपट जाए हमारी। क्या कोई अच्छा डॉक्टर अपना सलाहकार हो जाए तो सारी समस्या निपट जाए शारीरिक। तो हम कहीं ना कहीं बाहर में समाधान तलाशते रहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बाहर में दिखता रहता है। ये कह रहे हैं परंतु, अब ध्यान रखना, कोशिश तो आप कर रहे हैं तो सुखी हो रहे हैं क्या? कि सुखी तो नहीं हो रहे। हमने कल परसों श्रीमद् राजचंद्र जी की एक लाइन कही थी आपसे, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और सुख दूर भागता जाता है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे द्वारा किया गया प्रयास उल्टा है, गलत प्रयास है, खोटा प्रयास है, विपरीत दिशा में किया गया प्रयास है। तो क्या करें ये बताओ आप। ये कह रहे हैं परंतु प्रयोजन भूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। प्रयोजन भूत तत्व, अब ये क्या होते हैं प्रयोजन भूत तत्व, इनको जाने बिना दुख नहीं मिटता है। दुख मिटाने का उपाय बतला रहे हैं आपको, कितने प्रकार के दुख हैं आपकी लाइफ में उनको एक लिस्ट बना करके सामने लाओ, कितनी तरह की समस्याएं हैं, हम सब समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, जितनी प्रॉब्लम है आपके पास में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है यहाँ सात तत्व की चर्चा में। पीछे हम छह द्रव्य की चर्चा कर चुके हैं, पिछले भाग में हमने छह द्रव्यों के संबंध में बात की थी। छह द्रव्य और सात तत्व ये जिनागम के आधारभूत विषय हैं। छह द्रव्य सात तत्व पंचास्तिकाय द्रव्य गुण पर्याय स्यादवाद अनेकांत नए पद्धति अहिंसा और अपरिग्रह की चर्चा, ये जैन शासन के बेस हैं। ये माने इन सब विषयों को गहराई से जान लेने पर ही जैन धर्म का मर्म समझ में आएगा। अनेक बार ऐसे प्रसंग भी बनते हैं कि लोग सात तत्व की चर्चा सुनना पसंद नहीं करते। मेरे जीवन की घटी हुई घटना है, बहुत पुरानी, 1998-99 के आसपास की बात है। क्या जौहरी बाजार में बहुत बड़े लेवल पर शिविर लगाया गया और उस शिविर में मेरे को पढ़ाने के लिए बुलाया गया। क्या लेकिन आयोजकों ने मुझे पहले यह बात कही, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, समझाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप ये तत्व वत्व मत पढ़ाना। क्या 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 कहा, ये तत्वों की चर्चा, तत्व द्रव्य बस ये पढ़ लेते हैं, इनसे कुछ होता तो है नहीं, क्या मतलब है? आप तो ये बतलाओ कि पूजन कैसे करते हैं, पूजन पद्धति क्या है। क्या तो फिर हमने लगाया शिविर, कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हम पूजन के माध्यम से सात तत्व समझाएंगे। क्या प्रयोजन भूत बात तो यही है, लोग इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। क्या माने मूल बात पता नहीं है, असली बात को पहचानते नहीं है, उन्हें लगता है इससे क्या होगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, वे छोटे बच्चे, मैं बात करूं यदि उम्र की तो कह सकता हूं 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बच्चे घुटनों के बल दौड़ते हैं इधर से उधर। क्या और उनके माता पिता उनके परिवार के लोग उसे खड़ा करते हैं और खड़ा करके चलाना चाहते हैं। आप उसकी मनस्थिति की कल्पना कर सकते हैं, बच्चे की, उसको इधर से उधर जाना है, आप उसको पकड़ करके उठा करके चलाना चाहते हो पैरों के बल पर। वो कहता है यार ये क्या आफत है यार, इससे तेज तो मैं घुटनों के बल ही दौड़ लेता हूँ। बोलो उस बच्चे की मनस्थिति क्या होगी, उस बच्चे को क्या लगता है ये मेरे को किस झंझट में उलझा रहे हैं, ये क्या पागलपन है, ये क्यों उंगलियों से पकड़ करके चलाना चाहते हैं, क्यों पैरों के बल पर चलाना चाहते हैं, मैं चल रहा हूँ ना आराम से, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ और उतर भी जाता हूँ अपने स्टाइल से। तू इस बात को समझता नहीं है कि अभी जब तू पैरों से चलने लगेगा तो तुझे कितना आराम मिलेगा, क्या कितनी सुविधा होगी। बोलो आज कोई बड़े व्यक्ति ऐसे हैं समझदार लोग जो घुटनों के बल चलने पसंद करेंगे? कोई नहीं, क्योंकि हम समझदार हैं।
इसी तरह से हम यहां समझा रहे हैं आपको, जब तक इस बात की समझ नहीं है, सात तत्वों की समझ नहीं है, प्रयोजन भूत तत्वों की समझ नहीं है, कितनी मार्मिक लाइन कह दी है यहां पर, इनके श्रद्धान और ज्ञान के बिना दुख मिटता ही नहीं है। सात तत्वों को समझे बिना आपका दुख नहीं मिट सकता है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, क्या कितने भी इकट्ठे कर लो आप, इसकी रेट बढ़ रही है, इसके दाम बढ़ रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं, कर लो क्या BTC कर लो खूब इकट्ठे, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा उससे, सोने के पलने में झुलाए जाए ना, झूले में रत्न जड़े हों, सुखी करने में समर्थ नहीं। संयोग भी आपको जो मिलते हैं, ये संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणामानुसार होते हैं और कार्य योग्यता अनुसार होता है। समझ में आई कुछ बात, क्या कहा हमने, बड़े पंडित जी का वाक्य है, जितने भी संयोग हैं ये संयोग उदय के अनुसार मिलते हैं। उदय मतलब कर्म का उदय। आगे आने वाले 2-3 दिन में अपन कर्म वाला पाठ पढ़ेंगे, 8 कर्मों की चर्चा करेंगे, 8 कर्म, उन कर्मों का स्वरूप। कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, कर्म के उदय से परिस्थितियां बनती हैं। ये परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है, संयोग कैसे रहने हैं, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, माता पिता परिवार होंगे, धन होगा, वैभव होगा कि नहीं होगा, होगा कि चला जाएगा छूटेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये कैसे मिलते हैं, उदय, कर्म के उदय अनुसार मिलते हैं। तो फिर सुखी दुखी कैसे होता है, कर्म के उदय से नहीं, परिणाम अनुसार होता है, अपने परिणाम से सुखी दुखी होता है, संयोग से सुखी दुखी नहीं होता। संयोग कितने भी हो, सुख दुख का कारण संयोग नहीं है, सुख दुख का कारण तुम्हारे परिणाम है, सुख दुख का कारण तुम्हारी मानसिक स्थिति है। संयोग बहुत हैं लेकिन फिर भी मन खराब है, मन नहीं लग रहा है, बोलो कितने सुखी होंगे, सुखी होंगे कि दुखी होंगे, दुखी हैं। संयोग तो हैं बहुत सारे लेकिन मन, मन में बेचैनी है, मन में आकुलता है। संयोग कितने भी अच्छे हों फिर भी दुखी है, किससे, अपने परिणामों से दुखी है। और संयोग कितने भी प्रतिकूल हो, मन में शांति है तो सब शांति है, क्या कितनी भी प्रतिकूलताएं हो बाहर में, ताले में बंद कर दिया जाए कि 48 में बंद कर दिया जाए, क्या चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाए रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। क्या कहा, घर में रहो, बाहर रहो, जंगल में रहो, दुकानदारी में रहो, दुकान छोड़ करके मंदिर में आ जाओ, कहीं भी रहो, आपके हृदय में यदि मोह भाव है, आपके हृदय में यदि राग द्वेष है, आपके अंदर में यदि कषायें हैं तो आप दुखी हैं, और आपके अंदर में अकषाय परिणाम है तो आप सुखी हैं। यह बात अलग है कि अंदर की कषायें जब मिटती है तो बाहर में कपड़े भी उतरते हैं, बाहर में अणुव्रत भी होते हैं, महाव्रत भी होते हैं, मुनि भूमिका भी होती है, हाथ में पीछे कमंडल भी होते हैं, त्याग भी होता है, बाहरी त्याग भी होता है, ये सब बातें होगी, नियम से होगी, अवश्य होंगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, अंदर से। और काम कैसे होगा, काम हमारे परिणामों से होगा, उदयानुसार भी नहीं होगा, वो योग्यता से होगा। जिस कार्य के होने की जैसी योग्यता है काम वैसा होगा। 3 बात याद रखना ये। तो सुख दुख किससे कहा हमने, संयोग से कि परिणाम से, परिणाम से, सुख दुख परिणाम से। ये यहां क्या कह रहे हैं, 7 तत्वों को जानो, परिणाम बदलो, उपयोग बदलो, चिंतन बदलो। 7 तत्वों को समझ लेना, चिंतन बदलना है, और एक बार चिंतन बदल गया तो फिर क्या होगा, फिर दुख दूर हुए बिना नहीं रहता। क्या वाक्य कहा, प्रयोजन भूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, ये प्रयोजन भूत तत्व क्या है जिनकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं हो सकता। ये क्या है, ये प्रयोजन भूत तत्व, ये कौन से तत्व हैं और कैसे जाने इनको। कहते हैं प्रवचनकार विद्वान, दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। आपका प्रयोजन क्या है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत
सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तुम्हारा प्रयोजन क्या है ये बताओ। कि मेरा प्रयोजन और मेरा उद्देश्य तो ये है, बस ये जमीन अपनी हो जाए, ये प्रयोजन है। अच्छा, आपका क्या प्रयोजन है? मर्सिडीज दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाए क्या? अपना तो ये प्रयोजन दिखता है, अपने को तो ये बस ये मिल जाए, बस फिर कुछ नहीं। हे भगवान, फिर कुछ नहीं मांगूंगा मैं आपसे, क्या इतना मिल जाए हमारे को। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको मर्सिडीज क्यों चाहिए, आपको अच्छा बंगला क्यों चाहिए, आपको जमीन क्यों चाहिए, आपको ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी है, क्यों खरीदनी है बताओ तो सही। सुखी होने के लिए, सबका उद्देश्य एकमात्र सुखी होना। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों की सबकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं अलग अलग होगी, लेकिन उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के पीछे छिपा हुआ प्रयोजन एक ही होगा, सुखी होना। सबको यदि एक वाक्य में एक शब्द में कहा जाए तो कह सकते हैं सुखी होना। हर जीव सुखी होना चाहता है। ये कह रहे हैं यहां दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। और ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें ही प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। परिभाषा याद रखना भाई। देखो हमने क्या कहा, प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा पढ़ी है। परिभाषाएं याद करते चलेंगे तो आगे काम आएंगी क्या? कंठ की विद्या काम आएगी आगे। अंट के दाम कब काम आते हैं? समय पड़े पर। ये उस समय काम आएंगे जब आपका परिवार साथ नहीं देगा, ये उस समय काम आएंगे जब बच्चे सामने जवाब देंगे। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वो कहें आप घर से, फिर क्या काम आएगा? ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्या काम आएगा? सोना चांदी हीरे माणिक मोती जवाहरात कुछ भी काम नहीं आएंगे। क्या काम आएगा? बस तत्व का चिंतन, ये काम आएगा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, बस सब दुख संकट वो अलग थे, ये वस्तु स्वरूप विचार, ये तत्व विचार। देखो तत्व विचार की महिमा क्या, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा इन्हीं पंडित जी साहब ने, देखो तत्व विचार की महिमा। कि तत्व विचार वाला पहले तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वह तो सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी है। क्या गजब बातें कही है। तत्व विचार की महिमा है, ऐसी विचार की महिमा है। सारा काम विचार से ही होगा बेटा, जितना भी काम होगा वो सब विचार, थॉट प्रोसेस। आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, आपका क्या चिंतन चलता है, सब कुछ उसी के बेस पर चल रहा है। कर्म भी उसी के बेस पर बनते हैं, वेदन भी आपको उसी बेस पर होता है, सुख दुख का फीलिंग भी आपको उसी बेस पर होता है। तत्व विचार, प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा। जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना, बोलिए, जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना। सब लोग नहीं बोलते, नाश्ता करके आते नहीं है ना, इसलिए जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। समझ में आ रही है? कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं? जिनकी श्रद्धा और ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर ना हो सके, क्या बात कह रहे हैं यहां? शास्त्रों की बात कह रहे हैं, जिनागम की बात कह रहे हैं। किसके बिना आपका दुख दूर नहीं होगा? जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना दुख दूर नहीं हो सके, जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हम सुखी ना हो सके, उनका नाम प्रयोजनभूत तत्व है। असली मूल काम ये है, इसके अलावा सारे काम बेकार हैं। सबको उठा करके ताक में धर दो, जो होना है हो जाएगा।
ये काम करने लायक है। तत्व क्या होता है? वस्तु का सच्चा स्वरूप। तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, वो तत्व कहलाता है। तस्य भावस्तत्वम्, ऐसी व्याख्या मिलती है। तस्य भावस्तत्वम्, वस्तु का जो भाव है वो उसका तत्व है। वस्तु का मूल चीज, मूल स्वरूप, वो तत्व कहलाता है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। तत्व माने होता है भाव। तत्व माने भाव। किस किस का क्या क्या भाव है? क्या सोने का क्या भाव चल रहा है? जिसे आप भाव कह रहे हैं वो भाव नहीं है यहाँ क्या? जमीनों के क्या भाव हैं जयपुर में हैं दीपेश जी? अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग हैं, ये भाव नहीं है। जैसे आप मूल्य कह करके पुकारते हैं ये भाव नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं आत्मा का भाव है ज्ञान, नमक का भाव है खारापन, ये उसका भाव है, ये उसका स्वरूप है। सोने का भाव है उसका भारीपन, उसका पीलापन, उसका चिकनापन। सोने का जो गुण है, जो सोने का धर्म है, वो उसका भाव है, इसे भाव कहते हैं। वे तत्व सात होते हैं। तत्व कितने हैं? सात। पूछूंगा भाई अभी सात तत्वों के नाम। तत्व सात होते हैं, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य गृद्ध पिच्छ उमा स्वामी ने कहा है। क्या कहा? जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बोलिए, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। वापस बोलो, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। पहले अध्याय का चौथा सूत्र है। उमा स्वामी आचार्य ने मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के लिए तत्वार सूत्र में पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बतलाई, तन निसर्गा दधि गमाद्वा। फिर शिष्य ने पूछा कि साहब आपने कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम, ये तत्वार्थ कौन से हैं? तो उन्होंने कहा चौथे सूत्र में जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। सात हो गए भाई नाम, नाम याद करना सब। जीव अजीव बोलो, जीव अजीव, आश्रव बंध, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष, संवर निर्जरा मोक्ष, जीव अजीव आश्रव बंध, जीव अजीव आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष। याद होंगे ना सभी को? सब करेंगे ना याद? क्यों करेंगे? क्योंकि इनके श्रद्धान ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, और इनके श्रद्धान ज्ञान बिना हम सुखी नहीं हो सकते। अरे साहब ये क्या बातें कर रहे हो आप, क्या ये तत्व तत्व की बातें हमारे कम समझ में आती है। देखो आप तो कोई और अच्छी बात बतलाओ। जरूरी है इन सात तत्वों को जानना, और पता नहीं क्या क्या है। वो आश्रव आश्रव पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या था वो तीसरा शब्द? हमें तो शब्द ही समझ में नहीं आते, ये इतने कठिन कठिन शब्द। आश्रव संभर निर्जरा मोक्ष तो हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? शमशान के बाहर मोक्ष द्वार लिखा रहता है वहां। मोक्ष तो हमने पढ़ा है, मोक्ष धाम है, मोक्ष द्वार, मोक्ष वही है कि नहीं? नहीं चलो कोई बात नहीं, हमें एक बात बतलाओ, इन सात को आप नहीं जानना चाहते? हाँ बिल्कुल नहीं जानना चाहते, कैंसिल करें प्रोग्राम सात तत्वों को जानने का। फिर साहब बहुत अच्छा, मेहरबानी आपकी, क्या सात तत्वों को जानने का प्रोग्राम कैंसिल करें? अच्छा पहले एक बात बतलाओ, आप सुखी होना चाहते हो या नहीं? कि हाँ साहब सुखी होना तो चाहते हैं। कौन सुखी होना चाहता है? हम, मैं, सब व्यक्तिगत बात करें, इंडिविजुअल बात करें तो क्या कहेंगे? कौन सुखी होना चाहता है? मैं सुखी होना चाहता हूं। तो मैं कौन हूं उसे तो जानना पड़ेगा ना। सुखी जिसको होना है उसका तो पता होना चाहिए। मुझे सुखी होना है तो मैं कौन हूं? तो कहा जीव तत्व। बोले चलो ठीक है, जीव तत्व को तो जान लेंगे। सात में से एक, पहले तत्व का नाम क्या है?
जीव तत्व, तो जीव तत्व को तो हम जानने के लिए तैयार हैं, बाकी छह को नहीं जानेंगे। कि सुनो एक मिनट, तुम जीव तत्व को जानने की बात कह रहे हो, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज को भी तो जानो जिसमें तुम्हारे को गलतफहमी से जीव पने का भ्रम नहीं हो जाए। देखो यदि आप संतरे की पहचान करना चाहते हो क्या, तो मौसमी की पहचान भी करना क्या, माल्टा की पहचान भी करना, क्यों? क्योंकि यदि आपको उनकी पहचान नहीं हुई तो आप संतरे के भ्रम में मौसमी खरीद लाओगे। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं बात, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीज है ना। तो जीव को तो जानना ही है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जीव तो नहीं है, है तो अजीव, लेकिन भ्रम हो जाता है कि शायद ये जीव है। इसलिए अजीव को भी पहचानो, अजीव को भी जानो। अच्छा, कोई गलत फहमी नहीं हो भाई जीव को पहचानने के लिए, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जीव और अजीव दो जान लेंगे। अब और तो कुछ नहीं जानेंगे, और तो कुछ नहीं जानना है। पहले एक बात बतलाओ, क्या आप ये जानना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? जीव अजीव को तो जान लिया, आप चाहते क्या थे? मतलब सुखी होना चाहते थे। कितना परसेंट सुखी होना चाहते थे भैया? 10%। अच्छा 100%, क्या 10% सुखी? मैंने कहा ये क्या हुआ चक्कर, क्या 100% सुखी होना चाहते हैं, 100% सुखी? ऐसा तो मत करो यार, थोड़ा बहुत तो दुख भी ले लो। 99% सुख और 1% दुख तो चलेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, 100% सुख। तो हमने कहा सुनो, तुम जानते हो 100% सुख क्या होता है? मेरे साहब ये तो नहीं मालूम हमारे को, क्या 100% सुख कौन सी अवस्था में होता है, 100% सुख कहाँ है? कि साहब ये तो पता नहीं है, लेकिन 100% सुख चाहिए। कि सुनो 100% सुख को दूसरे शब्दों में कहते हैं मोक्ष। अच्छा क्या 100% सुख का मतलब मोक्ष है? तो वो तो समझना है हमारे, वो तो जानना ही है, क्योंकि 100% सुखी होना है तो मोक्ष तत्व को तो जानना ही पड़ेगा हमारे को, क्योंकि उसी का नाम 100% सुख है। मोक्ष मोक्ष नहीं समझ में आ रहा था। देखो मोक्ष शब्द कठिन लग रहा है हमारे को, मोक्ष नहीं चाहता लेकिन सुखी होना चाहता है। हमने कहा पूरी तरह से सुखी होने का नाम है मोक्ष। चलो ठीक है, तीन रख लो, कोई बात नहीं, जीव अजीव और मोक्ष। अच्छा आप पूरी तरह से सुखी होना चाहते हो, माने मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको पता है वो मोक्ष रूपी मंजिल 100% सुख कौन से रास्ते से मिलता है, कौन सी विधि से वहां तक पहुंचा जाता है? यानी साहब ये तो नहीं मालूम, तो आपको ये सीखना है कि नहीं, कि उस 100% सुख को कैसे प्राप्त करें, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी विधि क्या है? साहब वो तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे काम चलेगा? कि उसकी विधि प्रक्रिया को कहते हैं संवर और निर्जरा। है? क्या कह रहे हो? संवर और निर्जरा, कि हाँ संवर और निर्जरा मार्ग है। किसके मार्ग हैं, किसका रास्ता है? 100% सुखी होने का रास्ता है, 100% सुखी होने का मार्ग है, वो क्या है? संवर और निर्जरा। अरे साहब देखो बहुत हो गया क्या, 7 में से 5 कर दिए आपने, जीव अजीव मोक्ष संवर और निर्जरा। अब देखो वो जो बहुत कठिन शब्द था वो क्या क्या था, आर्जव क्या, आश्रव क्या, आश्रव था क्या, वो तो रहने दो बाप। देखो भाई ऐसा है, संवर और निर्जरा जो होती है ना, जो रास्ता है, वो रास्ता तो आपको जानना जरूरी है, लेकिन उस रास्ते में कहीं भटकने की संभावना जहां जहां है उसको भी पहले गहराई से समझ लो क्या? क्योंकि मार्ग में जहां भटकने की संभावना है, जो गलत रास्ता है, यदि आपने उसको नहीं समझा तो क्या होगा, बता सकते हैं आप? उसको नहीं समझा तो क्या होगा, गलती से गलत रास्ते पर बढ़ जाओगे क्या? हाँ साहब ये बात तो सही है, रास्ता भी जानना है, सही रास्ता भी जानना है, और देखो वो मोड़ आएगा और वो गलती से इधर मत घूम जाना क्या, ये इधर घूमना है, गलती से सीधे मत चले जाना, उसे भी जानना है
तो ठीक है, उसे भी जान लेंगे। बोले वो क्या है कि बहुत सी बातें ऐसी है जो दिखती तो है संवर और निर्जरा जैसी, लेकिन होती है आश्रम और बंध के कारण। क्या? इसलिए उनको भी पहचानो मार्ग क्या है और मार्ग में बाधक कारण क्या है, उसे भी जानना जरूरी है। अब कहो तुम्हें कितने जानने हैं सात में से? कि साहब सातों ही जान लें, क्या करें, सात में से कम नहीं कर सकते। माने इन सात तत्वों में से कुछ भी कम नहीं किया जा सकता और सात से ज्यादा बढ़ाए नहीं जा सकते। इसलिए हमारे यहाँ जिनाग में सात तत्व कहे हैं। सात तत्व का मतलब अपने और पराये की पहचान, जीव और अजीव, मोक्ष, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष में बाधक, या ऐसा भी कह सकते हैं मैं और पर, जीव और अजीव, फिर दुख का कारण, दुख को दूर करने के उपाय, और पूरी तरह से दुखों से निवृत्ति। हो गए सात तत्व। मैं कौन हूं और कौन मैं नहीं हूं, जीव अजीव, दुख के कारण आश्रवबंध, सुख का रास्ता संवर और निर्जरा, और सुख की पूर्णता मोक्ष। देखो अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं, यहाँ अभी चर्चा शुरू की है अभी अपन ने सात तत्व के संदर्भ में। सात तत्वों के नाम हो गए, नाम याद हो गए सबको? किसी को नहीं हुए हो तो बतला दो। हैं बेटा याद हो गए? वापस बोल लो एक बार। जीव अजीव आश्रव बंद। बच्चे बहुत होशियार हैं सब बोलने में, फास्ट बोलते हैं। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष। देखो कृपया संक्षेप में इनका स्वरूप बताइए, संक्षेप में बतलाइए तो सही। देखो जीव तत्व किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं जीव तत्व। जीव तत्व किसका नाम है? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य अजीव तत्व कहलाते हैं। जीव तत्व क्या कहलाते हैं? ज्ञान दर्शन सहित पदार्थ वो जीव है, और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो अजीव तत्व कहलाते हैं। पुद्गल आदि समस्त पदार्थ अजीव हैं। पुद्गल आदि में क्या क्या लेना है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल आदि, पुद्गल भी अजीव है, धर्म द्रव्य भी अजीव है, अधर्म द्रव्य भी अजीव है, आकाश द्रव्य भी अजीव है, और काल द्रव्य भी अजीव है। तो छह द्रव्यों में से जीव कितने हैं? एक। और अजीव कितने हैं? पांच, छह द्रव्यों में से। ठीक है, इन पांचों को किस में शामिल किया? अजीव तत्व में। देखिए इन शरीर आदि सभी अजीव पदार्थों से भिन्न चेतन तत्व ही आत्माएं। शरीर आदि सबसे भिन्न, शरीर आदि अजीव और आत्मा जीव। वह आत्मा ही मैं हूं, मुझसे भिन्न पुद्गल आदि पांच द्रव्य अजीव हैं। सामान्य रूप से तो जीव अजीव दो ही तत्व हैं। आश्रवादिक तो जीव अजीव के ही विशेष हैं। समझना देखो क्या कह रहे हैं। हाँ देखो बतलाता हूँ अभी। आश्रव और बंध दो रूप में पाए जाते हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। इन पांचों तत्वों की व्याख्या दो रूपों में होगी, द्रव्य रूप भी और भाव रूप भी। जब इनको कर्म परमाणुओं की अपेक्षा से कहते हैं तो ये सब अजीव तत्व में चले जाते हैं, अजीव की श्रेणी में चले जाते हैं, और जब इन सब को जीव के परिणामों रूप देखते हैं तो ये जीव तत्व की पर्याय में शामिल हो जाते हैं। क्या कहा हमने? जीव और अजीव ये तो मूल तत्व हैं, दो तो मुख्य हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये इनकी अवस्थाएं हैं, ये पर्याय रूप हैं, ये अवस्था रूप हैं। आश्रव, आश्रव किसी वस्तु का नाम नहीं है, आश्रव जीव अजीव के परिणामों का नाम है, परिणमन का नाम है। जब हम कर्म परमाणुओं की बात करते हैं तो वो द्रव्य आश्रव कहलाते हैं, उनका आना, और आत्मा के विकारी भावों की बात करते हैं तो उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। ऐसे दो दो प्रकार की बात करेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा? मूल तत्व कौन से हैं?
जीव और अजीव, क्या याद रहेगा मूल तत्व? जीव और अजीव। देखना, जीव द्रव्य अलग है और जीव तत्व अलग है। क्या बात कर रहे हो, वही तो है। छह द्रव्यों में पढ़ा था ना हमने, छह द्रव्यों में क्या पढ़ा था? एक जीव नाम का द्रव्य, और सात तत्व में क्या पढ़ रहे हैं? जीव नाम का तत्व। तो जीव तत्व और जीव द्रव्य, इनमें कुछ अंतर है या नहीं है? जीव शब्द का प्रयोग और भी दो स्थानों पर होता है शास्त्रों में। कहाँ कहाँ होता है? नौ पदार्थों में जीव पदार्थ, और पांच अस्थि काय में जीवास्थि काय। चार शब्द कह दिए बेटा, ध्यान रखना, चार शब्द कहे हैं हमने, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीवास्थि काय और जीव पदार्थ। जीव अस्थि काय और जीव पदार्थ, चार जगह पर, चार जगह पर जीव की व्याख्याएं मिलती है। ये चारों के चारों प्रयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर किए गए हैं। इंडिकेट जीव को ही करते हैं, एंगल अलग अलग है, देखने का एंगल अलग अलग है। जीव द्रव्य, ये द्रव्य की अपेक्षा से है। जीव अस्थि काय, ये क्षेत्र की अपेक्षा से है। जीव पदार्थ, ये काल की अपेक्षा से है। और जीव तत्व, ये भाव की अपेक्षा से है। कुछ समझ में आ रही है बात? अभी सबको छोड़ो, अभी सिर्फ दो में अंतर करो, जीव द्रव्य और जीव तत्व में। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर जानना बहुत जरूरी है। साहब जीव द्रव्य तो ज्ञान दर्शन वाला होता है, हमने पढ़ा था पहले, और जीव तत्व की परिभाषा भी वही बतला रहे हो, जानने देखने वाला। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, आप इसमें अंतर कैसे बता रहे हैं? जब हम द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो तीन लोक के सभी जीव जीव द्रव्य में शामिल हो जाते हैं। सब जीव द्रव्य हैं, सब जीव द्रव्य हैं। लेकिन जीव तत्व किसे कहते हैं? जीव तत्व में दुनिया के सारे जीव नहीं, मैं जीव, ये जीव तत्व है। सारे जगत के जीव वो जीव द्रव्य हैं, और मैं जीव, ये जीव तत्व है। कि क्या मतलब साहब, अभी भी नहीं समझ में आई बात कुछ, ऐसा क्यों भेद कर रहे हो आप? मैं जीव, ये जीव तत्व, और आप लोग सब जीव, ये जीव द्रव्य, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तत्व किसे कहते हैं? जिसके श्रद्धान ज्ञान बिना दुख दूर न हो सके, वो तत्व है। अपनी सम्यक पहचान के बिना, अपने आप को जाने पहचाने बिना दुख दूर नहीं होगा। इसलिए जीव तत्व में तो मैं, और जीव द्रव्य, सभी जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य जनरल बात है, जीव द्रव्य कॉमन बात है, और जीव तत्व ये पर्सनल बात है, ये इंडिविजुअल है। तत्व और द्रव्य, ये अंतर ख्याल में रखना। एक बात और सुनना, जीव द्रव्य में विकारी अविकारी सभी पर्यायों से सहित जीव ग्रहण किया जाता है। जीव द्रव्य, सब जीव द्रव्य, सिद्ध भगवान जीव है या नहीं, वो भी जीव द्रव्य है। निगोदिया जीव, जीव द्रव्य है। रागी द्वेषी जीव, वो भी जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में सब शामिल है, लेकिन तत्व में राग द्वेष शामिल नहीं है। तत्व में, जीव तत्व में संवर निर्जरा भी शामिल नहीं है, जीव तत्व में मोक्ष भी शामिल नहीं है। अरे क्योंकि सात कहे हैं ना, सात का मतलब है कि मोक्ष तत्व अलग है, निर्जरा तत्व अलग है, संवर तत्व अलग है, आश्रम और बंध तत्व अलग है। ये पांचों जीव की पर्यायें हो भले ही, लेकिन जीव तत्व इन पर्यायों से अलग है। तो जीव तत्व विकारी और अविकारी पर्यायों से भिन्न हो गया। जीव तत्व शुद्धता अशुद्धता का भेद ही नहीं है उसमें, त्रिकाल शुद्ध। शुद्ध भाव जिसे कह रहे हैं वो प्रकट होने वाली शुद्धता नहीं, वो त्रिकाल शुद्धता, वो जीव तत्व है, पर्याय से पार। क्योंकि आप विकारी पर्याय की बात करोगे आश्रम बंध में चले जाएगा, आप निर्मल पर्याय की बात करोगे समर दर्जरा मोक्ष में चले जाएगा। हमें बात करनी है जीव तत्व के बारे में। कुछ बात समझ में आ रही है? मुझे मालूम है कुछ कुछ ऊपर से भी जा रही है। क्या कोई बात नहीं, नहीं सिद्ध भगवान, यदि आप मोक्ष अवस्था देख रहे हैं
क्या मोक्ष अवस्था देखेंगे तो मोक्ष तत्व में शामिल होंगे। आप जीव तत्व की बात कर रहे हैं तो सभी जीव अपने अपने लिए जीव तत्व हैं, सब अपने अपने लिए जीव तत्व हैं, और सबकी दृष्टि से देखो तो जीव द्रव्य हैं, द्रव्य और तत्व। अभी तत्व कौन कौन से पढ़े हमने, दो पढ़े हैं अभी, कौन कौन से दो, जीव और अजीव। जीव जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, और अजीव पुद्गल आदिक, शरीर आदिक, ये सब अजीव तत्व हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। शंकाकार ने शंका की, शिष्य ने, यदि आश्रवादिक जीव अजीव के ही विशेष हैं तो इनको पृथक क्यों कहा है, इनको अलग से कहने की क्या जरूरत थी। या आश्रव बंद के विशेष है ना, या अजीव जीव अजीव के विशेष है ना, तो आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष अलग से कहने की क्या जरूरत थी। डरा दिया हमारे को साथ साथ कह करके, दो ही कह देते, दो तत्व में ही है, दो तत्व को जानना जरूरी है, आपने साथ कह दिया, हम घबरा गए। देखो ये क्या कहा है इन्होंने, पांच पर्याय रूप विशेष तत्व कहे। क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नीचे की लाइन छोड़ दी अपन ने, यहां तो मोक्ष का प्रयोजन है, अतः आश्रवादिक पांच पर्याय रूप विशेष तत्व कहे। सबका प्रयोजन मोक्ष है भाई, इसलिए क्या कह रहे हैं, पर्याय रूप विशेष तत्व कहे हैं। उक्त सातों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे हो, हमने जाना ही नहीं कौन मैं हूं, कौन पराया है, अपने पराये की पहचान के बिना सुखी किसे होना है, किसे सुखी नहीं होना है, पोषण किसका करना है, दूर किसे करना है, अपने पराये का ज्ञान कितना जरूरी है। बाउंड्री वॉल क्यों खिंचाते हो आप है? आपने जमीन ली तो पहला काम क्या करते हो, बाउंड्री वॉल क्यों, यहां तक अपनी है और यहां पराई है, बस अपने और पराये का भेद करने के लिए। ये अपने और पराये का यदि भेद नहीं होगा तो महा दुख है। आपको पता होना चाहिए अपना घर कौन सा है और पराया घर कौन सा है, क्या पड़ोस के घर में घुस जाएगा। आपको पता होना चाहिए अपनी गाड़ी कौन सी है और दूसरी गाड़ी कौन सी है, क्या। एक दिन ऐसा हुआ, मार्केट में गाड़ी खड़ी की थी और जब दुकान से वापस लौटे तो गाड़ी को खोलने की कोशिश की, खुली नहीं रही थी गाड़ी, हुआ ना ऐसा, क्या खूब कोशिश करी खुल नहीं रही, अरे अच्छा चक्कर हो गया, क्या स्विच से खुलती थी उससे नहीं खुल रही, रिमोट से खुलती थी उससे नहीं खुल रही, क्या चाबी लगा करके कोशिश करी उससे नहीं खुल रही, यार ये अच्छी समस्या हो गई, क्या अब क्या करें बोलो। तो वो जो सर्विस है ना, क्या सिटी कार लाइफ की सर्विस वाले को फ़ोन किया, क्या वो आ जाते हैं 15-20 मिनट में आ जाते हैं। मैं कहा यार ये समस्या समझ में नहीं आ रही, लॉक ही नहीं खुल रहा है, क्या क्या होगा। इतनी देर में उससे बात कर रहा था मैं सर्विस वाले से, और फ़ोन पर बात कर रहा था घूम करके, तो पता लगा अरे अपनी गाड़ी तो उधर खड़ी है, क्या ये क्या हुआ, बिल्कुल सेम नंबर नहीं देखा बस, क्या सेम कलर सेम वही, क्या माने जो वरना जो गाड़ी है मेरे पास में सेम वही गाड़ी वही डिजाइन वही कलर सब सेम मॉडल, तो पहचान करना जरूरी है कि नहीं, क्या चाबी कहाँ लगानी है, इसकी पहचान होनी चाहिए कि नहीं, कि कौन सी अपनी है और कौन सी पराई है। आप दुखी हो जाओगे, गलत को यदि अपना मान लिया तो दुखी हो जाओगे आप, गलत चीज को अपना मान लिया तो आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहां क्या कह रहे हैं ये, जीव अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे हो, मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करें। मोक्ष को जाना ही नहीं आपने, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानता, अरे मोक्ष की चर्चा करते हैं तो इसको मौत दिखती है,
जैसे ही हम कहते हैं ना मोक्ष मोक्ष, अरे मैं मरना नहीं चाहता, अरे तो मरने का नाम मोक्ष नहीं है, जीने का नाम मोक्ष है। कभी नहीं मरने को मोक्ष कहते हैं, इसको मोक्ष माने मरना दिखाई देता है। हम कह रहे हैं जब कभी नहीं मरना हो, मरण से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष को जाने बिना उसका उपाय कैसे करेगा, और मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, अतः उनका जानना भी आवश्यक है, जरूरी है। तथा आश्रव का अभाव सो संवर, आश्रव के छूटने को संवर कहते हैं, और बंध का एक देश अभाव सो निर्जराए, अतः इनको जाने बिना, इनको छोड़ संवर निर्जरा रूप कैसे प्रवर्ते, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। अभी हमने समझाया नहीं है इन सात तत्वों को, आश्रव तत्व क्या है, बंध तत्व क्या है, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व क्या है, उन तत्वों का क्या स्वरूप है। बहुत मार्मिक बात है, मुझे मालूम है, भले ही आपको जटिल लगे कठिन लगे, लेकिन हिम्मत मत हारना, क्या बराबर सुनना, सब बात समझ में आएगी, कल विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ा सा